नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजन प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका लोग बचपन में कुलक्षण मानते थे और उन्हें देखकर अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते थे। आज की प्रस्तुति में हम आपको उन्हें राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान संत कवि बने और रामचरितमानस जैसे परम पावन ग्रंथ की रचना की। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव से, जहां एक दिन पंडित आत्माराम दुबे अपने घर के बाहर चिंता में बैठे हुए थे। उनके मित्र हल्की फुल्की बातों से उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी किसी भी क्षण माँ बनने वाली थी। उन्हें अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये बच्चा 12 माह से अपनी माता के गर्भ में था। इसी चिंता के कारण व्यापार परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो। दाई बाहर आती है और पंडित जी को बताती है कि उनका लड़का हुआ है। लड़के के बारे में बताते हुए वह कहती है कि पंडित जी, लड़का काफी हष्ट पुष्ट है। जब दाई पंडित आत्माराम दुबे को ये बताती है कि उसे बालक के मुंह में दांत है और उसे बालक ने अपने जन्म के साथ ही राम नाम लिया है, तो पंडित आत्माराम दुबे बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पंडित ने दाई चुनिया से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तो दाई चुनिया ने बताया कि उनकी पत्नी बेहोश है। ये सुनकर पंडित जी भगवान से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। बालक ने अपने जन्म के साथ ही राम शब्द बोला था, इसलिए उसे बालक का नाम भी राम बोल पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देखकर उनके आसपास रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। कुछ दिनों के बाद पंडित जी ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे राम बोल का ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं। ज्योतिषी बोलता है कि इस बच्चे का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ये भविष्य में अपने पूरे परिवार के नस का कारण बनेगा, जो इसे कहीं छोड़कर आओ, पंडित जी बोलते हैं। क्या मैं अपने बच्चे का त्याग कर दूं? ज्योतिषी बोलता है कि यही ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा बेटा ही क्या जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो जाए, वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। इसके बाद पंडित जी राम बोल का त्याग कर देते हैं, परंतु दाई चुनिया को बच्चे पर तरस आ जाता है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। सारा गांव ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में जानता था, फिर भी चुनिया उस बच्चे को अपने घर ले आती है, तो दुनिया के घर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को अपने घर नहीं लाना चाहिए था, ये बच्चा हमारा भी सत्यानाश कर देगा। चुनिया बोलती है कि इसके पिता ने इसका त्याग कर दिया है, ये बेचारा अब अनाथ है, भगवान के लिए मुझे इसकी देखरेख करने दीजिए। चुनिया के पति को भी यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्सा होकर चुनिया से कहता है कि मूर्ख स्त्री, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों उठा ले हो। जूनियर विनती करते हुए अपने पति से कहती है, ये बच्चा बेचारा अनाथ है और हमारी कोई संतान भी नहीं है, हम इसको अपने पुत्र की तरह का लेंगे। जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो अचानक उनका पता लगता है कि पंडित आत्माराम जी चल बसे, तो चुनिया का पति कहता है कि ये बच्चा तो सचमुच में बहुत ही अमंगलकारी है। चुनिया बोलती है कि इसमें बेचारे निर्दोष बच्चे का क्या अपराध है। वो उसे बच्चे राम बोल का पालन पोषण करने लगती है।
बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण राम बोल का बचपन कष्ट में बीता। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनका पालन पोषण करने वाली दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। इसके बाद वे पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। चुनिया को सांप ने डसा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ये देखकर चुनिया का पति सोचता है कि मेरी पत्नी भी इस राम बोल के कारण ही मेरी है। ये सोचकर वो उसे बच्चे राम बोल को अपने घर से निकाल देता है। वो बालक रोता हुआ घर से निकल जाता है और रात के समय वो किसी पेड़ के नीचे सोता है। अगले दिन जब उसे भूख लगती है तो वो किसी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। घर में से एक स्त्री बाहर आती है। उसे देखकर वह बालक उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर वो स्त्री उसके लिए घर में दूध लेने के लिए जाती है, परंतु उसे घर की एक बुढ़िया उसे स्त्री को बताती है कि ये बच्चा बहुत अभागा है, जो भी इसे खिला है वो मर जाता है। उसकी बातें सुनकर राम बोल प्रण लेता है कि आज के बाद वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन शाम के समय पेट की भूख उसे दूसरा दरवाजा खटखटाना पर मजबूर कर देती है, परंतु वो जहाँ भी जाता था लोग उसे आत्माराम का बेटा समझकर खाना नहीं देते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। फिर भी उसे अपना जीवन यापन किसी न किसी तरह से भिक्षा मांग कर ही करना पड़ता था। एक दिन वह बेचारा राम बोल अपमानित होकर गांव के एक मंदिर में जाता है और मंदिर की सीडीओ के पास बैठ जाता है। उसी दिन मंदिर में गुरु नर हरिदास आते हैं। जब वह वापस जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र सीडीओ पर बैठे इस बालक पर पड़ती है। वो मंदिर के पुजारी से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। मंदिर का पुजारी बताता है कि ये बच्चा आत्माराम दुबे का अभागा पुत्र राम बोला है तथा अशुभ नक्षत्र का मारा है, जो कोई भी इसकी सहायता करता है वो सिर्फ दुख ही पता है। गुरु नर हरिदास को राम बोल पर दया आ जाती है। वो राम बोल से बोलते हैं, सुन बालक, प्रभु श्री राम सबके रखले हैं, उनकी शरण में क्यों नहीं जाता? राम बोला उनसे पूछता है कि श्री राम कहाँ पर है और मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। गुरु नर हरिदास उसे अपनी कुटिया में ले जाते हैं। गुरु नर हरिदास उसे बच्चे राम बोल को अपना शिष्य बना लेते हैं। तब वह बालक अपने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। गुरु नर हरिदास ने उसे बालक को अपने गुरुकुल में स्थान दिया और उसका नाम तुलसीदास रखा। लेकिन गुरुकुल के सभी लोग उसे अभी भी राम बोल के नाम से ही बुलाते थे। गुरु नरहरिदास राम बोल को शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। एक दिन गुरु नरहरिदास उसे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूं तुम उसे दोहराते चले जाना। गुरु नरहरिदास उसे श्री राम जय जय राम बोलना सीखते हैं। वो बालक बाबा की बातों को मानकर उनकी बातों को सही सही दोहराता है। शुरुआत में ही इनकी राम भक्ति देखकर गुरु ने इन्हें रामायण का ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक दिन राम बोल बाबा नरहरिदास से भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए कहता है तो बाबा नरहरिदास उसे भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगते हैं। बालक राम बोल भगवान राम की कथा सुनकर बहुत खुश होता है और उसके बाद वह कथा खुद से पढ़ने की कोशिश करता है, परंतु उसे भगवान श्री राम की कथा बहुत कठिन लगती है। राम बोल को भगवान राम से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने संपूर्ण ग्रामीण को कंठस्थ कर लिया। तब बाबा नरहरिदास उसे वाराणसी के आचार्य शेष सनातन के पास ले जाते हैं। वाराणसी पहुंचकर बाबा नरहरिदास आचार्य शेष सनातन से उसे बालक को अपना शिष्य बनने के लिए विनती करते हैं।
आचार्य शेष सनातन रामबोला को अपना शिष्य बना लेते हैं और शिक्षा देने लगते हैं। इसके बाद बालक रामबोल 10 वर्ष के समय में वे पुराने और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त करता है। एक दिन आचार्य शेष सनातन रमा से कहते हैं कि वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। बालक रामगोला कहते हैं, आपकी कृपा से मैं मनुष्य की तरह जीने का गौरव का सका हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आचार्य शेष सनातन कहते हैं, जो वत्स और संसार में भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करो। राम बोल कहते हैं कि गुरुदेव, ये तो मेरा परम कर्तव्य है, इसे पूर्ण करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। आचार्य बोलते हैं कि वत्स राम बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम गृहस्थ भी बानो। भगवान श्री राम भी गृहस्थ थे। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद राम बोला अपने गुरु से आज्ञा लेकर वापस अपने जन्म स्थान पर आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। वो बहुत ही भक्ति भाव से भगवान राम की पावन कथा सुनाने लगते हैं। उसके बाद लोग उसे तुलसी राम के नाम से पुकारने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर ही बद्री नाम के एक गांव में दिन बंधु पाठक नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बुद्धिमती नाम की लड़की थी। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उनके घर एक व्यक्ति आता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी रत्नावली के लिए तुलसीदास से बढ़कर योग्य वर और कहीं नहीं मिलेगा। पाठक दिन बंधु कहते हैं कि सुना है कि तुलसीदास बहुत गरीब है। वो व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान है और तुलसीदास तो ज्ञान के भंडार है। तुम्हारी पुत्री के लिए उससे बढ़िया वाद नहीं मिलेगा। पाठक दिन बंधु राजी हो जाते हैं। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में राजापुर में थोड़ी ही दूर यमुना के उसे पर स्थित एक गांव की अति सुंदर भारतवाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी और रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान पर रहने लगे। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनका परिवार मिल गया और वो अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। इसी कारण रत्नावली की सहेलियां उसे अक्सर चढ़ाया करती थी। एक दिन जब उनकी पत्नी रत्नावली अपनी सहेलियों से मिलकर वापस अपने घर आई तो वो बहुत गुस्से में थी। तुलसीदास पूछते हैं कि आज तुमने वापस आने में इतना समय क्यों लगा दिया। रत्नावली रहती है कि मेरी सहेलियों मुझे ताने मार रही थी कि मैं आप पर जादू कर दिया है। तुलसीदास बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है। तुलसीदास जी की ऐसी बातें सुनकर वह कुछ भी कहना पाती। रत्नावली उसे याद करवाने की कोशिश करते हुए कहती है कि क्या आप अपने गुरु को दिया हुआ वचन भूल गए। उन्होंने आपसे भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करने के लिए कहा था। तुलसीदास अपनी पत्नी की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तर्क था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तर्क की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। इसके बाद में कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि एक बार रत्नावली के मायके से एक नई उनके घर पहुंचता है।
वेनी रत्नावली से कहता है कि बेटी मुझे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मायके ले जाने के लिए भेजा है। रत्नावली उसे रहती है कि मैं कैसे चल सकती हूँ, इस समय मेरे पति बाहर गए हुए हैं, वो 2-3 दिन के बाद लौटेंगे। वो नई उससे कहता है कि कल भाई दूज है, इस मौके पर तुम्हारी कमी सबको बहुत खोलेगा। ये बात सुनकर रत्नावली अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो तुलसीदास के लिए एक खत लिखकर वहाँ पर छोड़ देती है। 2 दिन के बाद जब तुलसीदास वापस घर लौटते हैं तो रत्नावली को घर पर ना देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी तुलसीदास को रत्नावली का खत मिलता है, जिसे पढ़कर तुलसीदास सोचने लगते हैं कि रत्नावली ने लिखा है कि वो शीघ्र लौटेगी, लेकिन मैं उसके लौटने की प्रतीक्षा कैसे करूं? तुलसीदास जी के लिए उनका वियोग असहनीय हो गया था, बस अपने को रोक नहीं पाए और तुरंत अपनी पत्नी से मिलने के लिए रत्नावली के मायके के लिए निकल पड़ते हैं। वो अंधेरी रात में बिना कुछ सोचे समझे तेज बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी को तैर कर पर कर गए। नदी पार करने के बाद वो ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी तुलसीदास को रोक नहीं पाया। तुलसीदास ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वो उसको ही पकड़कर दीवार पर कर गए। तुलसीदास ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वो एक शाम था जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार तुलसीदास अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। पत्नी के कक्ष में पहुंचने के बाद तुलसीदास से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वो अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनके पति द्वारा के बजाय दीवार पर करके कक्षा में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वो क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में तुलसीदास जी को बहुत डांट लगाई। उनकी पत्नी ने एक श्लोक के माध्यम से तुलसीदास जी को उपदेश दिया कि मेरी हर मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही इस बात को सुनकर तुलसीदास सुंदर रह गए। हृदय में यहाँ बात गहरे तक उतर गई और उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। तुलसीदास का अंतर्मन जाग उठा। अपनी पत्नी के द्वारा कहे गए इस कथन को सुनकर तुलसीदास जी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया और वे एक क्षण भी रुके बिना तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वैराग्य जीवन अपनाकर साधु बन गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन करने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की थी? जिस प्रेत ने उनकी सहायता की वो एक पेड़ पर रहता था। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब एक पेड़ का प्रेत तुलसीदास जी से प्रसन्न हो गया, तब उसे प्रेत ने तुलसीदास जी की कई मनोकामनाएं पूर्ण कराई। वो किस पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उसे पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कर दिए? लिए जानते हैं कि क्या है वह अद्भुत कथा। एक समय जब तुलसीदास जी वाराणसी जाकर रहने लगे और वहां के घाट पर प्रतिदिन रामचरितमानस की कथा का पाठ करने लगे, दिन भर लोगों की भीड़ उनके पाठ सुनने आई। वहां पर रहते हुए तुलसीदास जी नित्य प्रात भ्रमण के लिए घर से निकलते थे।
एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में बाबुल की तरह दिखने वाला एक पेड़ सूख रहा है। उन्हें उसे सूखने हुए पेड़ को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवन दान दिया जाना चाहिए। दरअसल वो पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वो इस सूखने हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करेंगे। उसे पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने घर से जल लाकर उसे सूखने हुए पेड़ को सींचेंगे। अब तुलसीदास जी रोजाना जब भी भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल भी रखते थे। ये जल उनके भ्रमण के रास्ते के उसे पेड़ के लिए था जो सूख रहा था। वह नित्य उसे सूखने हुए पेड़ को जल देने लगे। उन्होंने उसे पेड़ के आसपास की गंदगी और झाड़ झंकार भी हटा दी। कुछ ही दिनों में तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसे पेड़ के हरा भरा होने पर पता चला कि वो पेड़ कीकर का था। उसे पेड़ पर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी के अच्छे आचरण के कारण वो प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल के समय तुलसीदास जी जब इस पेड़ के निकट ही बैठे थे कि तभी उसे पेड़ का प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। वो तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसी कीकर के पेड़ पर रहता हूँ। पानी के अभाव में ये पेड़ लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन आपकी देखभाल से इसने फिर से जीवन का लिया है। महात्मा, आपने मेरा आवाज नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उसे प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उसे प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि ये प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है वो मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उसे प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे प्रेत को बताया कि वो श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त है। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि क्या तुम मुझे श्री राम और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो? उसे प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महात्मा, ये सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, परंतु मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कराऊंगा। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। उसे प्रेत में तुलसीदास जी से कहा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि श्री हनुमान जी आपकी कथा सुनने सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आप सुंदर अवसर देखकर उनके चरण पकड़ लीजिए। वे अवश्य ही आपको श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। प्रेत के काटना अनुसार तुलसीदास जी ने वैसे ही किया। कुछ दिन लगातार सभी कथा सुनने वालों पर ध्यान रखने के पश्चात तुलसीदास जी ने देखा कि प्रवचन सुनने वाले व्यक्तियों में एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जो सबसे पहले आता था और सबसे अंत में जाता था। कुछ दिन तुलसीदास जी ने उसे पर इतना ध्यान नहीं दिया, किंतु अंत में वे उसे बूढ़े व्यक्ति को पहचान गए। एक दिन जब सभी लोग जा चुके थे, तब भी वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बैठा था। जी उनके निकट गए और उनके चरणों में गिर पड़े। तुलसीदास जी उसे बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, प्रभु, मैं आपको पहचान लिया है। आप कोई और नहीं, राम भक्त हनुमान है। आप तो प्रभु के प्रिय पात्र हैं। उन्होंने उसे व्यक्ति से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए कहा।
सच में वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं अपितु स्वयं हनुमान जी थे। ये देखकर तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी के दर्शन हुए तब उन्होंने हनुमान जी से श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी ने इसके लिए उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट पर जाकर रहने लगे। एक दिन वे कमगरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्हें दो राजकुमार घोड़े पर जाते हुए दिखे। उनमें से एक राजकुमार सावला और दूसरा राजकुमार गौर वर्ण का था। साइद जी उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन तभी हनुमान जी वहां पर प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों राजकुमार कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ही थे। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं कि कृपया मुझे दोबारा उनके दर्शन करवा दीजिए। तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि उनको अगली सुबह प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर बुलाते हैं। तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जब तुलसीदास जी घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल ना कर बैठे, इसलिए वह तोते का रूप धारण करके गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़ तुलसीदास चंदन जी से तिलक करे रघुवी। तुलसीदास तोते की बात सुनकर समझ जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही है। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारत निहारत अपनी सुध बुध खो बैठे और भगवान राम ने तुलसीदास जी का हाथ पढ़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद तुलसीदास बिल्कुल बदल जाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम के स्पर्श ने उन्हें बिल्कुल ही बदल दिया था। उसके बाद तुलसीदास की जगह जगह जाकर प्रचंड सुनाने लगते हैं, जिससे संध्या के प्रवचनों में भक्तों की संख्या बढ़ने लगती है। एक दिन रत्नावली के मायके से अनंत आता है और बताता है कि रत्नावली और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तुलसीदास कहते हैं कि वे लोग पुण्य आत्मा थे, मैं अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त कर सका हूँ। अनंत तुलसीदास जी से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट करता है। उसके बाद अनंत और तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों सबसे पहले उत्तर दिशा में वृंदावन जाते हैं। वो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर रुक जाते हैं। वहां के लोग सोचते हैं कि तुलसीदास तो श्री राम के भक्त हैं। क्या वह श्री कृष्ण के सामने सर झुकाएंगी? तभी वह लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में श्री राम के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। बाद में प्रवचन सुनाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्णा एक ही है, तुम किसी भी रूप में उनकी भक्ति करो तुम्हें शांति ही मिलेगी। एक बार तुलसीदास की अनंत के साथ राजस्थान के किसी मंदिर में रह रहे थे। उसे समय भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था, हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे थे। मुगल आक्रांता अकबर के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में एक तुलसीदास जी भी थे। एक दिन जब तुलसीदास ध्यान में लीन थे तभी उन्हें बाहर बहुत शोर सुनाई देता है। तुलसीदास अनंत से कहते हैं कि पता लगाओ कि ये शोर कैसा है। अनंत बाहर जाकर देखा है और वापस आकर बताता है कि नीच जाति के कुछ भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें आने से रोक रहे हैं। तब तुलसीदास कहते हैं,
अनंत भक्तों की कोई जाति नहीं होती जो कोई भी प्रभु श्री राम का भक्त है। वह मेरा सहोदर है। तुलसीदास तुरंत बाहर आते हैं और उन भीलों से बड़े प्रेम से गले मिलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे प्रभु श्री राम ने वनवास के कुछ दिन तुम्ही लोगों के बीच बीते थे। उसी दिन शाम को तुलसीदास से मिलने मेवाड़ के राणा प्रताप आते हैं। राणा तुलसीदास से कहते हैं, स्वामी जी मैं बहुत विक्षिप्त हूँ। मेरे मेवाड़ पर मुगलों ने अधिकार कर रखा है। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। तब तुलसीदास बोलते हैं, हताश मत हो, राणा प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। राणा प्रताप बोलते हैं, लेकिन बिना धन और साधन के मेवाड़ को स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है? इस समय अनंत आकर कहता है कि भामाशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद भामाशाह मेवाड़ की दुर्दशा के बारे में सुनकर रो पड़ते हैं और राणा प्रताप से कहते हैं कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। राणा प्रताप बोलते हैं, मैं एक योद्धा होकर दान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? भामाशाह तुलसीदास से कहते हैं, पूज्य गुरुदेव आप ही मेरी भेंट स्वीकार करें और राणा प्रताप को सौंप दे। राणा प्रताप तुलसीदास को ये भी बताते हैं कि राजा मानसून हमारी ही बंधु है, लेकिन वह मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। तुलसीदास राणा को आश्वासन देते हैं कि वो शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाएगा। उसके बाद एक दिन मुगलों का सेनापति मानसिंह तुलसीदास से मिलने पहुंचता है। मानसून तुलसीदास की बातों से इतना प्रभावित होता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कुछ दिनों बाद मुगल बादशाह अकबर को सूचना प्राप्त होती है कि राजा मानसून ने अपनी सुना पीछे हटा ली है। बादशाह अकबर पता करवाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें ये बात पता चलती है कि तुलसीदास ने मानसून का हृदय परिवर्तित किया है। बादशाह अकबर तुलसीदास को दरबार में बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं। अब्दुल रहीम खान तुलसीदास से जाकर मिलता है और बादशाह की इच्छा प्रकट करता है। कहते हैं, मैं तो अपने श्री राम की महिमा का गुणगान करता हूँ। राजा महाराजा के दरबार में भला मेरा क्या काम? अब्दुल रहीम खान उनसे कहता है, आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रही हैं। तब तुलसीदास कहते हैं, ये सरासर झूठ है। हाँ, यह आवश्यक है कि मैं अपने मुक्ति दाता श्री राम का गन गन करता हूँ। अकबर के आदेश पर तुलसीदास जी को पढ़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उनके सामने एक वृक्ष शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को अपनी शक्ति के द्वारा उसमें जीवन डालने के लिए कहकर उनका उपहास किया। तुलसीदास जी ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और कहा कि ये सब मिथ्या है तथा वे केवल प्रभु राम को ही अपना भगवान व राजा मानते हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति से अकबर इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया। इसके साथ ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। इसके बाद अकबर के सैनिक तुलसीदास जी को वहां से ले गए और फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंद कर दिया। जब तुलसीदास जी फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंद थे, तब भी उन्होंने राम वहां हनुमान भक्त नहीं छोड़ी थी। यहीं रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लिखी हनुमान चालीसा का निरंतर 40 दिनों तक पाठ किया था। अंतिम दिन आश्चर्यजनक रूप से फतेहपुर सीकरी को असंख्य बंदरों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। बंदर नगर के हर घर में घुस गए व सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगे।
उन्होंने करवा पर भी भीषण आक्रमण कर दिया। ये देखकर अकबर की सेवा में आतंक फैल गया और उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को स्वतंत्र कर दिया। बंदों के आक्रमण से दुष्ट अकबर की सेवा में इतना ज्यादा आतंक फैल गया था कि वे उसे नगर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुछ दिनों बाद तुलसीदास अनंत के साथ रामेश्वर मंदिर में पहुंचते हैं, परंतु मंदिर के पुजारी उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। मंदिर के पुजारी तुलसीदास से कहते हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि तुम वैष्णव हो इसलिए तुम मंदिर में नहीं जा सकते। ये सुनकर तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। श्री भगवान शिव उन्हें दर्शन देकर कहते हैं, तुलसीदास मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वाराणसी लौट जाओ और अपने जीवन की कामना पूरी करो। तुलसीदास वाराणसी लौट आते हैं और 80 घाट के निकट अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ समय बाद तुलसीदास जी हिंदी में रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं। जब वाराणसी के पंडितों को इस बात का पता चलता है तो वो आग बबूला हो उठते हैं। सभी पंडित इकट्ठे होकर सलाह करते हैं कि तुलसीदास जो कुछ कर रहा है वो धर्म विरोधी कार्य है। श्री राम की कथा संस्कृत के सिवाय और किसी भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए। उसी रात दो पंडित तुलसीदास की कुटिया में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु वो वहां दो राजकुमारों को पहरा करते हुए देखते हैं। पंडित समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ही पहरा दे रहे हैं। इसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित एक सभा बुलाते हैं और तुलसीदास जी के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं। वो लोग तुलसीदास जी से कहते हैं कि हमारे विचार से तुम्हारा हिंदी में रामायण लिखना अनुचित है। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी रचना गंगा नदी में डुबो दो। बस जी कहते हैं, मित्रों मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री राम की पावन कथा देश के हर घर में गूंज उठे। तभी एक पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ हम तुम्हारा ग्रंथ भी शिवलिंग के समीप रखेंगे, वहीं अपना निर्णय करेंगे। तुलसीदास जी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी पंडित अन्य धर्म ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को भी शिवलिंग के समझ रखते हैं। अगली सुबह जब सभी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। इस तरह तुलसीदास जी की जीत होती है। इसके बाद सभी पंडित तुलसीदास जी से माफी मांगते हैं। उनका रामचरितमानस आज भी देश के लिए अमूल्यतम निधि है। तुलसीदास जी बहुत दिनों तक जीवित रहे और उनका यश दिन प्रतिदिन फैलता गया। तुलसीदास जी ने अपने अंतिम समय में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम का स्मरण किया था। यह उनके जीवन के अंतिम दिन थे। मृत्यु से पहले उन्होंने इस जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। उसे मंदिर को आज वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के पश्चात उन्होंने इस 80 घाट पर समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। आज उसे घाट को तुलसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी व तुलसीदास जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म के दो सबसे मुख्य गा की रचना की यह ग्रंथ है, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। इसके अलावा भी तुलसीदास जी के द्वारा कई रचनाओं की गई है। दोस्तों, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी इस बात को लेकर अनेकों मतभेद है। ऐसा कहा जाता है
तुलसीदास काफी सालों तक बीमार थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। वही ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने मृत्यु से पहले अपनी आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।